तो दोस्तों आज हम आपको एसडी कार्ड रिपेयर करना सिखाएंगे। ये देखिए तोशिबा कंपनी का हमारे पास एसडी कार्ड है जिसका लॉक टूट चुका है। ये देखिए शटर लॉक होता है यहाँ पे, ये टूट चुका है। अब हम इसको आज कैसे रिपेयर करते हैं ये आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कैमरे में, आपको दिखा देंगे कि ये क्या मैसेज शो करा रहा है। ये देखिए कैमरे पर लगा दिया, कैमरा ऑन कर दिया, उसके बाद इसमें ये मैसेज आ रहा है। ये देखिए कार्ड लॉक्ड, ये देखिए अब जूम करके हम आपको और क्लियर करके दिखाएंगे। देखिए कार्ड लॉक्ड करके ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए कार्ड लॉक्ड, यानी कि हमारा कार्ड लॉक्ड का मैसेज दे रहा है। अब हम इस कार्ड को कैसे रिपेयर करेंगे ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने इस कार्ड लॉक के जो शटर का जो कॉलम है जहाँ पे लॉक लगता है उसी साइज़ का एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये क्या होता है, दरअसल ये लॉक जो होता है एक सेंसर का काम करता है यहाँ पे, और इसका कोई पर्टिकुलर ऑन ऑफ का कोई बटन होता नहीं है इसमें। दरअसल ये सेंसर को हमें ब्रेक करना है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से हम कागज़ के टुकड़े को कार्ड के ऊपर रख लेंगे और एक सेलो टेप की मदद से इसको हम फिक्स करके चिपका देंगे। ये देखिए हमने सेलो टेप ले लिया है। चिपकाते वक्त ये ध्यान देना है कि हमारा सेलो टेप यानी कि हमारा जो आगे का सर्किट है उस पर ये टच ना हो सेलो टेप। जो हमारा ब्लैक कलर का ब्लैंक स्क्रीन स्पेस है उसी स्पेस में टेप को लगाना है। ये इस मुख्य जो उस पर ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हमें टेप किस तरीके से लगाना है। ये देखिए हमने कागज़ का टुकड़ा इसके ऊपर फिक्स कर लिया है शटर के ऊपर, और इसके ऊपर ये सेलो टेप से हम इसको पुश कर देंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर सेलो टेप इस तरीके से पुश किया और इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसको चिपका लिया है। अब हम इसको कैमरे में लगा के चेक करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसकी स्थिति है। ये देखिए कैमरे के स्लॉट में हमने लगाया, कैमरा किया ऑन, ये देखिए और ये हमारा डिस्प्ले आ गया है। अब उस तरीके का कोई मैसेज नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, अब प्रॉपर तरीके से ये वर्क करने लगी है। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, हमने रिकॉर्डिंग प्ले कर दिया है। ये अब हम आपको गौर से दिखाएंगे। ये देखिए ये कार्ड प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा है। ये देखिए इसी तरीके से आप अपने एसडी कार्ड को इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहें।